हॉलीवुड हो या बॉलीवुड वहाँ हीरोइने कुछ अर्से के बाद करैक्टर रोल अपना लेती हैं लेकिन पाकिस्तान में हीरोइने सारी उम्र हीरोइन ही रहती हैं ऐसा क्यों बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका सुहेल साहब करना चाहिए मैं कहती हूँ करना चाहिए ये रोल क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं आपको उन रोल्स में भी देखना चाहते हैं और हमारी इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने नहीं किया मगर मैंने किया मेरी एक मूवी आ रही है रंग दा और वो है मुहरम के बाद आ रही है मैंने उसमें किया है करेक्टर करेक्ट एक्टर तो नहीं है मगर जो मेरी एज है उसके मुताबिक मैंने एक रोल किया है इन श्रा मुजाजन के बाद वो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है सुल साहब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी हीरोइन है ना पाकिस्तान की वो चलती मैं हमेशा स्वीट सिक्सटीन रहूँ वो स्वीट सिक्सटीन के चक्कर में बिल्कुल करेक्टर करेक्ट एक्टर नहीं करती है लेकिन करने चाहिए आपको पता है बड़ी फेवरेटिजम भी चलती है फिल्म में प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके फेवरेट्स होते हैं जैसे जावेद शेख साहब की सना फेवरेट थी शहजाद रफीक साहब की मीरा सिर्फ फेवरेट <laughs> है ठीक है आप सैयद नूर साहब की साइमा।, साइमा है तो आपका कौन प्रोड्यूसर था जिसकी आप फेवरेट थी आ, मेरे जो प्रोड्यूसर थे आ, उनकी डेथ हो गई है अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह दे आरिफ चौधरी साहब जिनकी फिल्में थी ती रानी साहब वोटी नौकर वोटीदा और इन्हीं की सारी मूवीज थी हिट तो मैं उनकी फेवरेट तो नहीं कहूंगी मगर वो मुझे अपने हर प्रोजेक्ट में लेते थे काम आपको होना चाहिए टैलेंट के मुताबिक आप में टैलेंट है तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी की फेवरेटिज्म होने की या ना होने की मैंने काम मेरा कोई भी नहीं है ऐसा ऐसा कोई था कि जिसकी मैं बहुत फेवरेट होती या मुझे उस तरह का काम मिलता मेरा यह था कि मैं मुझे मैंने हर एक के साथ काम किया हर प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया हर डायरेक्टर के साथ काम किया मगर हाँ मैं फेवरेटिज्म पे आऊँ तो मेरा था कौन था? सी फिल्म में अपना किरदार अच्छा लगा नगीना भी बड़ा अच्छा लगा निगाहें भी बड़ा अच्छा लगा मगर जो नजरुल इस्लाम साहब की मैंने मूवी की थी नरगिस मुझे उसमें बहुत अच्छा करेक्टर लगा अपना बहुत अच्छा वेरिएशन काम था फिर एक हसन असरी की मैंने मूवी की थी इरादा वो थी बिल्कुल ही एक जैसे क्लासिक मूवी कहते हैं या मुझे उनकी फिल्म आठ मूवी मुन में उनकी की थी हसन असरी साहब की वो मुझे करेक्टर बहुत पसंद है लोगों को बड़ा पसंद है वो मेरा एक फिल्म का कितना मुआवजा ले लेती हैं <laughs> मैं ये कहूँगी इसके ऊपर बात बड़ी अच्छी आपने की पहले मुआवजा कम था काम बहुत अच्छा था अब मुआवजा बहुत ज्यादा है 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 काम कुछ नहीं है। कितना है? मावजा, मेरा मावजा कितना मेरा एक फिल्म का कितना ले लेती है? कितना ले लेती मेरा होना चाहिए दस लाख पाँच लाख फिगर तो नहीं ना बताते हैं फिल्म के लिए नहीं ये क्या है कुछ भी नहीं है क्या पैसे है आप खुद सोचें क्या है ये से? पहले तो तो एक लाख में भी कर लेते थे दो लाख में भी कर लेते थे पर वक्त के साथ साथ ही सारे आपको पता है कि रेट्स होते हैं आपके मुआवजा होता है काम का उसके मुताबिक अब तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं बेतहाशा काफी अवार्ड्स मिले और आ, मैं समझती हूँ आपका जो औरजिनल अवॉर्ड है वो वाम है आपको ऑडियंस आपकी पसंद करती है आपकी वाम आपको पसंद करती है यही सबसे बड़ा अवार्ड है अवार्ड तो काफी लिए काफी मिले हैं ग्रेजुएट अवार्ड मिला नेशनल अवार्ड मिला सारे अवार्ड लिए बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी सबसे महंगा यही मिला किसने दिया? <laughs> मेरे मिया ने शोहर अक्सर आपको गिफ्ट देते रहते हैं हाँ वो देते रहते हैं प्यार की बात ही यही है की आप गिफ्ट दें गिफ्ट लें ये तो चीज होती है कैन कोई भी हो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो बर्थडे हो शादी की सालगिरह हो तो फिर उसके ऊपर गिफ्ट तो जरूर मिलता है है ईद हो अपने अलावा आपकी फेवरेट हीरोइन कौन कौन सी है? क्यों अच्छा काम किया उस बंदी ने बहुत अच्छा काम रानी जी मुझे बड़ी पसंद थी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने भी अच्छा लगा मुझे उनका काम बहुत हमेशा अच्छी फिल्में की उन्होंने शबनम जी ने बहुत अच्छा काम किया एक चंद ऐसी अदाकार हैं जिन्होंने बहुत प्यारा काम किया अपने फिल्मी कैरियर के दौरान आपने बहुत से हीरोज़ के साथ काम किया कौन पसंद आया और उसकी कौन सी चीज़ अच्छी लगी मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगे एक्चुअली टाइमिंग की बात होती है कि पंक्चुअल कौन है सेट पे टाइम से कौन आएगा आपका टाइम कैसे बचेगा कौन है पंक्च्छल? पंक्च्छल मुझे जवेश बहुत लगे नदीम साहब बड़े लगे अच्छे टाइमिंग के हवाले से और शान भी बहुत अच्छा है इस हवाले में कोई ऐसा अदाकार भी है जिसके साथ काम करके क्रश हुआ हो मुझे तो क्रश नहीं हुआ सोहेल सब उनको जरूर क्रश हुआ है <laughs> <laughs> काम से सिर्फ दिल लगाया अपना काम किया अपनी लाइने याद की कभी ये नहीं सोचा इवन शान मेरे साथ ही आया तो कभी ऐसा नहीं हुआ लोगों ने अक्सर हमारी रूमर्स उड़ा देने की जी पता नहीं क्या है सीन क्या नहीं मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता आप काम में होते हैं कभी क्रश ही नहीं हुआ ऐसा काम के ड्यूरिंग क्योंकि सीन के मुताबिक आप चल रहे होते हैं अपनी इजाज़त लोगों नहीं नहीं को तो क्रश हो सकता है ना लोग तो क्रश हो क्रश है <laughs> लोग तो क्रश हो क्रश हुए हुए हैं <laughs> लोग तो होते हैं नो डाउट्स फिर उनको कैसे सैंडल करती हैं वो मेरे तक तो कोई बात ही नहीं पहुंचती भी, कोई ना <laughs> कोई तो पहुंच जाता है डैडी बंदी है कुछ नहीं कुछ नहीं कह सकते ऐसा कुछ इसको नहीं कहता मुझे कुछ भी कोई अच्छा। कभी किया भी अगर किसी ने इजहार तो मैंने उसको बड़े प्यार से मोहब्बत से हमेशा समझाया कि ये बस ठीक है फेवरेटिज्म एक चीज़ होती है प्यारा कोई लगता है आपको तो उसका ये मतलब नहीं कि आगे भी कोई चीज़ सोची जा सके ऐसा कुछ नहीं